हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रांजिस्टर यूजिंग बेस ट्रिवल सर्किट बताऊंगा, जिसमें कि दो ट्रांजिस्टर का यूज़ होगा। और ये काफ़ी हाई क्वालिटी बेस ट्रिवल सर्किट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दो ट्रांजिस्टर ही इसमें यूज़ हो रहे हैं। पहला ट्रांजिस्टर है वो एज ए प्री एम्पलीफायर यूज़ हो रहा है, और दूसरा ट्रांजिस्टर जो है वो बेस ट्रिवल के लिए यूज़ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सर्किट। फ्रेंड्स, हम 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा, तो वीडियो देखेंगे पूरा तो आपके पूरा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हम इस ट्रांजिस्टर में इनपुट देते हैं। ये सिंगल सप्लाई का फ्रेंड्स इसमें यूज़ होगा। ये ग्राउंड है, तो सबसे पहले यहाँ से 10 माइक्रोफेरड 50 वोल्ट कैपेसिटर लगाएंगे। यहाँ से हम इनपुट देंगे 150 के पॉजिटिव से बेस पे और 47 के ग्राउंड से। ये बायसिंग रेजिस्टेंस हम दो लगाएंगे, और कलेक्टर पे हम 4.7 के की रेजिस्टेंस लगा के, और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। और एमीटर पे 1.5 के की रेजिस्टेंस लगा के, और ये 100 माइक्रोफेरड 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाएंगे। तो यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। ये क्लास ए एम्पलीफायर है। यहाँ से जो भी हम इनपुट सिग्नल देते हैं वो एम्पलीफाई हो जाता है। एम्पलीफाई होके हमारे, तो ये बेस के लिए है, और ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स ये ट्रबल के लिए है। ये ट्रबल के लिए है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ से सिग्नल इनपुट हो रहा है फ्रेंड्स। ये बेस के लिए है, 100 के का एक पोर्ट लगा हुआ है, और ये दो पीएफ लगे हुए हैं। ये लगाएंगे हम 0.05 माइक्रोफेरड। फ्रेंड्स, 0.05 माइक्रोफेरड, अगर इसका हम कोड देखेंगे तो कोड फ्रेंड्स हो जाएगा इसका 503। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप सस्ता अगर बनाना है तो सिरेमिक ले सकते हैं, और चाहे तो आप पॉलिस्टर पीएफ आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। 503 इसका कोड है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दो पीएफ यहाँ पर लगेंगे। यहाँ से 10 के की रेजिस्टेंस है, जो कि डायरेक्ट इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ी हुई है, और इसके सीरीज में एक 110 माइक्रोफेरड 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये बीच से एक 10 के की एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, और ये डायरेक्ट यहाँ से बेस पे सिग्नल जा रहा है, ये आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एक पीएफ लगाया हुआ है 0.03 है। इसका कोड होता है फ्रेंड्स 303। जैसे 0.01 का 103 होता है, इसी तरह इसका होता है 303। ठीक है फ्रेंड्स, इसका होता है 303। उसी तरह ये ट्रांजिस्टर है फ्रेंड्स, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे पॉजिटिव से 330 के की रेजिस्टेंस लगाएंगे बेस पे, और ये 150 की एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। ये 330 के है, और ये 150 150 के है। और ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, कलेक्टर पे हमने 10 के की रेजिस्टेंस लगाई हुई है, और इसको हम 12 से सप्लाई 24 वोल्ट, 12 वोल्ट से 24 वोल्ट दे सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम 12 वोल्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे 1 के की, और अगर हम 24 के यूज़ करेंगे तो हम लगाएंगे रेजिस्टेंस 4.7 के की। ठीक है फ्रेंड्स, दे सकते हैं। यहाँ से कलेक्टर से हम आउट ले रहे हैं, कलेक्टर से आउट ले रहे हैं। ये 1 के की रेजिस्टेंस है, 10 माइक्रोफेरड 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर यहाँ से आउट ले रहे हैं। और इस अब आ जाते हैं फ्रेंड्स, हम ट्रांजिस्टर कौन सा यूज़ करेंगे। तो ट्रांजिस्टर मैं काफ़ी सारे बता देता हूँ, इसमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। C1815, BC549 फ्रेंड्स, 549 लो नॉइस का ट्रांजिस्टर है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। BC547, BC548,
548 का यूज़ कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी ट्रांजिस्टर फ्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं और ठीक काम करते हैं। इन इन ट्रांजिस्टर में से कोई सा भी यूज़ कर लेंगे। C1815 अच्छा काम करता है, तो इनमें से आप कोई सा भी जो आपको अवेलेबल हो उसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो कैपेसिटर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे 220 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट और ये 100 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट, 220 की जगह आप 470 यहाँ ले सकते हैं और ये 100 माइक्रोफेराड है, यहाँ पर भी आप 470 का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो कर सकते हैं, नहीं है तो 100 माइक्रोफेराड का भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस सर्किट को आप बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए ये आपको सर्किट कैसा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।